भारत ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी में शामिल न होने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, RCEP के तहत देश के हितों पर नहीं होगा कोई समझौता। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज नागौर जिले के दौरे पर शहीद डिप्टी कमांडेंट मोहन राम मूंड की मूर्ति का किया अनावरण। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर भूतपूर्व सैनिकों को संविदा ड्यूटी में लगाए जाने की अधिकतम आयु 70 वर्ष करवाए जाने की मांग की। सिरोही जिले के भीमड़ा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक कार और दो ट्रकों से टकराने के कारण 5 लोगों की हुई मृत्यु, 9 लोग हुए घायल। और अजमेर जिले का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हुआ प्रारंभ। धार्मिक मेला देव प्रबोधिनी एकादशी से पंचतीर्थ स्नान के साथ होगा शुरू।